देखिए बच्चों, एक सवाल है कि 20 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। तो इफ 5 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई 4 लीटर मिल्क, कहते हैं 4 लीटर मिश्रण को 4 लीटर दूध से रिप्लेस कर दिया। तो देखिए, जब हमने 4 लीटर निकाला मिक्सचर को, तो ये 20 से कितना बचा? 16 लीटर। तो बच्चों, मिक्सर निकालने में अनुपात नहीं बदलता, अनुपात अभी भी कितना है? 5:3। और फिर इसमें 4 लीटर हमने कह रहे कि मिल्क ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? तो जाहिर सी बात है, जब मिल्क ऐड हो गया तो 16 था और फिर 4 दूध और ऐड हो गया, तो फिर से मिक्सर हो गया कितना? 20 लीटर। तो कहते हैं अब अनुपात बताओ। तो आइए देख लेते हैं अनुपात। कहते हैं शुरुआत में 5 और 3 कितना था? 8। 8 का मान कितना था? 20। लेकिन जब 4 लीटर निकाल लिया तो 5 और 3 8 का मान हो गया 16। तो बच्चों, 8 का मान 16, तो 1 का मान 2, और 1 का मान 2 तो 5 का मान 10 लीटर और 3 का मान 6 लीटर। अच्छा, अब इसमें यहाँ सेकेंड स्टेज में देखें, कहते हैं 4 लीटर दूध मिला दिया गया। ये जो 16 से 20 हुआ है, ये क्या हुआ है? 4 लीटर दूध। तो जब 4 लीटर दूध मिला देंगे बच्चों, तो दूध 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 लीटर। जबकि देखो, पानी नहीं मिलाया गया है, पानी 6 लीटर ही है। तो कहते हैं द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो रेशियो क्या है भाई? 7:3। कितना है?